2020 क्लास फिफ्थ साइंस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स या एजेंट्स ऑफ सीड्स, एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। Animals and human beings eat fleshy parts of the fruits. And carelessly throw it here and there. Throw their seeds देखिए यहाँ हमने जंतु और मानव ये दोनों गूदेदार फल को खा लेते हैं और उनके बीजों को जत्र तत्र फेंक देते हैं, है कि नहीं। दीज सीड्स डेवलप इंटू न्यू प्लांट्स व्हेन दे गेट फेवरेबल कंडीशंस फॉर ग्रोथ। ये नए पौधों में जन्म होता है जब इन्हें वृद्धि के लिए मतलब अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। जैसे आम को लोग खा लेते हैं और आम की गुठलियों को फेंक देते हैं, तो ये जो आम की गुठलियां हैं वो ज़मीन के नीचे आ कर के दब जाता है या नीचे से कुछ पार्ट उसको ज़मीन के पार्ट से मिल जाता है और धीरे धीरे जर्मिनेट करके नए पौधे का निर्माण कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें जो है बेटा वो आपको जो है वो सीड्स के जर्मिनेशन के लिए यूज़फुल माना जाता है। These seeds develop into new seed, new plant in favorable condition. फॉर एग्जाम्पल में आप ले लीजिए कोई भी मैंगो सीड्स ले सकते हैं आप, एप्पल सीड्स ऑफ एप्पल, ऑरेंजेज, ऑरेंजेज मैंगोज एक्सेट्रा। In this way, they reach to far away the horn, hooks, thorns, hooks, and stiff hairs, which are some plants, fruits have. By this stick to human beings or animals, and animals go away from here and there, and thus the fruit, thus the seeds grow in new plants. Birds and animals swallow some seeds which are passed out unchanged in their droppings।
नाउ एक्सप्लोजन माने फूटना, विस्फोट हो जाना। फ्रूट्स ऑफ पी बालसम एंड लेडीज फिंगर, बस्ट ओपन विंड रहे, मतलब ये आपको ये जो बीज है जिसमें आप ये देख रहे हैं लेडीज फिंगर कहते हैं आपको भिंडी को, और मटर का पौधा ये सब जो पक जाता है पूरा पूरा तब अपने आप फट जाता है, इस तरह से सीड्स जो है वो इधर उधर हो उड़ जाता है, मतलब देट सीड्स आर द थ्रोन अवे विथ अ ग्रेट फोर्स, दस देयर सीड्स आर थ्रोन अवे हेयर एंड देयर, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म फॉर्म ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एक्सप्लोजन। नाउ लेट्स वी हैव अ रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्स, what is reproduction, the process set process just not legitimate an organism either plant or animal give birth gives birth of a new ones of its own kind. Is known as reproduction. There are so many parts of the plant through which reproduction takes place, reproduction from spores. Reproduction from spores. स्पोर्स से पौधों में प्रजनन। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, प्लांट्स लाइक फर्न्स
मॉसेज मशरूम मॉल्ड रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। ये पौधे जो हैं वो मशरूम वगैरह जो भी आप देखते हैं मॉल्ड्स वगैरह ये सारे जो है वो पोर से जहाँ जहाँ उसके पोर निकले हुए होते हैं फेपी जिसको कहते हैं उससे ये दूसरे नए पौधे को जन्म देता है। दीज आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये आपको फूल विहीन पौधे हैं जिसमें फ्लावर नहीं होता है। तो प्लांट्स लाइक फर्न्स मशरूम एंड मोल्ड्स रिप्रोड्यूस through spores. They are non-flowering plants. इन सब पौधों में फूल नहीं होते हैं। They produce spores which germinate under suitable conditions. Spores and germinate under suitable conditions. Now reproduction from other plant parts. We will study.